तो हे गाइस, वेलकम टू चैनल D70 व्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हो आप लोग, बताओ जरूर कमेंट बॉक्स में। तो गाइस, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी के कुछ 9:15 बज चुके हैं और दिखा दो, पीछे हमारी लिस्ट खड़ी है। तो गाइस, इतने सुबह सुबह व्लॉग इसलिए बना रही क्योंकि इसका फर्स्ट सर्विसिंग का टाइम हो चुका है। मैं आपको इसका किलोमीटर्स दिखा देता हूँ। तो जो कि इसका किलोमीटर्स हो चुका है 1247। अपना किलोमीटर का टाइमिंग 1000 का ही होता है, 1000 के बाद हम लोग को सर्विस करवाना होता है। बट इन केस मैं थोड़ा बहुत किसी काम से बाहर निकल गया था तो वहीं पे 200-250 किलोमीटर मेरा रनिंग हो गया, तो इसलिए 1247 हो गया। और वैसे भी गाड़ी देख सकते हो, गाड़ी काफ़ी गंदी हो चुकी है। अभी फ़िलहाल गाड़ी कोल्ड स्टार्ट पे है, इसमें फ्यूल भी काफ़ी कम है और देख सकते हो पूरी गंदी हो चुकी है। तो ऑलराइट, तो क्या सर्विस सेंटर हमारा कल्याण में है एंड जहाँ से हम लोगों ने गाड़ी डिलीवरी ली थी वहाँ पर शोरूम भी है एंड सर्विस सेंटर भी है। तो मैं पर्सनली वहीं पर जाना ये करूँगा क्योंकि वहाँ पर मुझे सर्विस काफ़ी अच्छा लगा, मैंने गूगल पर रिव्यूज़ वगैरह देखा था। तो फटाफट निकलते हैं, करीबन 10:30 बजे शोरूम सर्विस सेंटर खुलने का टाइम होता है और देखते हैं कितना बड़ा बिल आता है हमारा RC 200 का। ज़्यादा करके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2000 के अंदर ही आ जाए, बट ठीक है, देखते कितना बिल आता है। तो मैं सीधा आपको मिलता हूँ KTM शोरूम। ऑल राइट गाइस, तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने सर्विस सेंटर से, अपनी बाइक की सर्विसिंग करा के। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ तो कल ही अपना सर्विसिंग हो चुका था, तो कल रात हो गया तो मैं शूट नहीं कर पाया था। तो गाइस बेसिकली सर्विसिंग में कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी वॉश हुई एंड उसके बाद भाई इंजन ऑयल चेंज हुआ, इसका बैटरी चेक किए एंड इसका एयर फिल्टर साफ़ किया, बस उतना सा चीज़ किया और धो भी के भाई धीरे धीरे, और कुछ नहीं किया फर्स्ट सर्विसिंग में। और वही फर्स्ट सर्विसिंग अगर मैं आपको कॉस्ट बता दूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास बिल है एंड जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ 1121 रुपीज़ का मुझे कुछ बिलिंग है। मैं आपको बिल दिखा देता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 1121 का, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा। तो भाई बस फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट मुझे 1121 रुपीज़ आया, ताकि मैंने कुछ भी मतलब ब्रेक पैड वगैरह तो इतना जल्दी कुछ काम आता नहीं है भाई। KTM मतलब ठीक ठाक है, मतलब कई बार करीबन इसके ऑयली उसमें 1.5 लीटर का इंजन ऑयल जाता है, तो इंजन ऑयल काफ़ी महंगा पड़ जाता है और बाकी सब ठीक है। वैसे भी देखते हैं नेक्स्ट सर्विसिंग जनवरी में आने वाला, तो भाई जनवरी के तो बहुत टाइम बाकी है, तो नेक्स्ट सर्विसिंग में हमारा बिल बहुत लंबा बना क्योंकि मेरे को लगता है कि मुझे दोनों डिस्पैच चेंज करना पड़ेगा, एयर फिल्टर चेंज करना पड़ेगा एंड भाई लूप वगैरह मैं बोलूँगा अपना घर पर ही कर लिया करो। लूप का उन्होंने बस मुझसे 200 रुपये चार्जेस किया, इससे अच्छा आप मोटुल का लूप मंगा लो, पेडॉक्स लगा के भाई खुद भी आप घर पे कर सकते हो, तो ये आपका 200 रुपये वहाँ पे बच जाएगा। अगली बार से मैं वहाँ पे लूप नहीं करवाया करूँगा क्योंकि मेरे पास है, तो अगली बार से मैं वहीं पे घर पे कर लिया करूँगा। तो यही था गाइस हमारे फर्स्ट सर्विस का वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं इसी को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।